नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाल, गुड मॉर्निंग ओडिशा। मु शक्ति आउ आपनकु स्वागत करुछि आमर ए चैनल आजिरो ताजा खबर को। तो चलंतु नजर पकेबा आजिरो बछा बछा खबर उपरे। तो ता पूर्वरु जदि आपन माने आमर ए चैनल ले नुवाई वीडियो देखचोती पूर्वरु सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरास्तुवा बेल आइकन को बजे रखथांतु जातर कि प्रतिदिन खबर आपन माने सर्वप्रथमे जानि परिबे। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 रहिछि वंदे मातरम ध्वनि रे कंपिला स्टेडियम, भारत पाक हाई वोल्टेज मैच। वंदे मातरम ध्वनि रे कंपिला स्टेडियम, वंदे मातरम गीत रे कंपिला चेन्नई रो मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। चलित एशियो चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी रो लीग मैच रे पाकिस्तान को धूली चटाई टीम इंडिया। तबे क्रिकेट फील्ड हेउ कि हॉकी, जेतेबेले दुई पारंपरिक प्रतिद्वंदी सामनासामनी होंती सेतेबेले एक रोमांचकर मैच देखा मिले। मैच भारत पाकिस्तान मध्ये थिले, उभय खेलाड़ी और दर्शकों मध्ये बेस उत्साह देखा मिले। गैलरी आपे आपे भर्ती हो जाए, मैच जितवापी दर्शकों समर्थन बेस सहायक हुए। तबे भारत पाकिस्तान भली हाई वोल्टेज मैच रे दर्शकों कोलाहल तो साधारण कथा। खेलाड़ी को समर्थन करने गैलरी जातीय संगीत गाई था दर्शक, एभली दृश्य बहुबार देखा मिली। चलित एशियो चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी रु चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को विदाय रास्ता देखाई भारत। शेष लीग मैच रे पाकिस्तान को एक तरफा भावे धूली चटाई भारतीय हॉकी टीम। देखा परवर्ती खबर, राति अधरे हाई ड्रामा, भांगिला पाकिस्तान संसद। राति अधरे पाकिस्तान देखा मिली हाई ड्रामा। पाकिस्तान रे पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान जेल चारिकांत बेले गतकाली पाकिस्तान संसद को भांगी दिया जाए। संसद भंग होबार तीन मास मधे पुणी थे निर्वाचन हेबो। तबे एबे जेल रे बंदी 70 वर्षीय वयस्क इमरान खान पुणी थे निर्वाचन लड़ी पारे ना नहीं ताहापर समस्त नजर। तबे पाकिस्तान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफों परामर्श अनुजाई राष्ट्रपति आरिफ अल्ली बुधवार विलंबित रात्र संसद को भंग कर। तबे संसदर निम्न संसद नेशनल असेंबली 5 वर्ष कार्यकाल पूरण करिबार 3 दिन पूर्व भंगा जाए। एथसत शाहबाज शरीफों शासन काल शेष हो गतकाली शेष थर संसद में निजर भाषण रखी थे। देखा परवर्ती खबर, टंकापाई मनुष्य किसी भी करपे, शेष बापर स्त्री होगा भी पछाइलानी झील। तबे कुहा जाए टंका पाई ए मनुष्य किछि भी करि पारे, टंका पाई एठी निजर बापर स्त्री साजिला झियो। उत्तर प्रदेश रे एभली एक घटना देखिया को मिलिछि, जणे झियो टंका पाई बापर स्त्री भूमिका निभाबा को भी पछाई नाही। तबे उत्तर प्रदेश रो आलीगढ़ रे देखिया को मिलिछि एपरि घटना, बापा चली जा परे निजकु तांकर पत्नी भाबे दर्शाई 10 वर्ष धरि पेंशन टंका उठाई नेउछि झियो। सूचना अनुसार मोहसिना परभेज वयस 36, बापा ओहाहा उल्ला खान कर 2 जानुरी 2013 मृत्यु घटी। से उत्तर प्रदेश सरकार रे राजस्व किरानी भाव कार्य करुकर अवसर हो सारी। यापर मोहसिना पिता पेनसन को किपर उठाण करेंगे से योजना करते। से निजकूर पिता पत्नी भाव दर्शाई समस्त डक्युमेंट जोगाड़ करते। रिपोर्ट अनुसार मोहसिना बर्तमान पर्यंत मासिक 10,000 हिसाब से 12 लाख टंका पेनसन आनी सारी। से 2017 फारूक अली को बहुत करते, किंतु सेमानक संपर्क रे फाटो होइजबारु दुहे मध्य अलगा रहुथिले। ए बाबदरे फारूक सबु जानिथिले। गत वर्ष एनै फारूक थाना रे अभिजोग करिया परे पूरा घटनार पर्दाफाश होइछे। 2022 रे फारूक अभिजोग करिया परे तदंत जारी रहिथिला। तबे अलीगंज रे थिबा सब डिविजनल मजिस्ट्रेटक कार्यालय करथिबा प्रारंभिक अनुसंधान रु एहा जणा पडिछि जे मोहसिना पेंशन आवेदन पत्र रे चतुरतार सहित तांकर मांक नाम एवं निजर फोटोग्राफ व्यवहार करी टंका हड़प करिछन्ते। तबे जणे किरानी एवं जणे कनेस्टेबल द्वारा प्रमाणीकृत होइथिबा एही आवेदन चूड़ांत क्लीयरांस पई जिला राजकोष को पठा जाइछे। आलीगंज पुलिस स्टेशन रे मोहसिना को विरुद्ध रे मामला मध्य रुजु होइछे। तांकर विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजो बोली वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहिछन्ते। देखा प्रवृत्ति खबर, इन्फोसिस बीपीएम सेवार उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। आज इन्फोसिस बीपीएम सेवार उद्घाटन करिछन्ते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। यह इन्फोसिस संपूर्ण मालिकाना रे थिबा सहायक कंपनी। कला भित्तिभूमि स्थिति सुदृढ़ करिबो इन्फोसिस। तबे प्रथम पर्यायर 500 जन को निजुक्ति दिजिव, पर्यायक्रमे 2000 निजुक्ति सुजोग जाए विस्तार होवार संभावना रही। तबे ही कंपनी पूर्व भारत रे इन्फोसिस प्रथम व्यवसाय प्रक्रिया परिचालना यूनिट। देखा परवर्ती खबर, सुरक्षित अछित रत्नभंडार अलंकार, सत्यवाद और तथ्य नहीं तालमेल, 40 kg रूपा गला कुआडे। सुरक्षित अछित रत्नभंडार अलंकार, सत्यवाद और तथ्य नहीं तालमेल,
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପାଖାପାଖି 258 କେଜି ଓଜନର ରୂପ ଅଳଙ୍କାର, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବାସନ ଥିଲା। ନିଜେ ସରକାର 2018 ମସିହାରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ରୂପ ନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି 218 କିଲୋ ରୂପା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ତେବେ ଉଭୟ ହିସାବରେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ରୂପା ହିସାବରେ 40 କେଜି ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, 5 ବର୍ଷ ତଳେ ସେତିକି ଥିଲା, ଏବେ ସେଥିରୁ 40 କେଜି କମିଯାଇଛି। ଏବେ ରୂପା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେହିପରି 152 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବି କମିଯାଇଛି। 2018 ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ଦିଲୀପ ରାୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ତେବେ ତତ୍କାଳୀନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ 1978 ମସିହା ମେ 13 ତାରିଖ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଦେଖା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୃତ୍ୟୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଙ୍କଲ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଙ୍କଲ। ମିଡିଆ ନ୍ୟୁଜରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଲେ 3 ମାସ ହେଲା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନଥିଲେ, ତେବେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୃତ୍ୟୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦୀପାଳୀ ହୋଟେଲରେ 205 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସେ ନେଇ ପୁଲିସ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଙ୍କଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କାମର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାବାଳିକା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେହି କାମ ଦେଇନଥିଲେ। ପରେ ସେ ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ କାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଙ୍କଲ ଆହୁରି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, 3 ମାସ ହେଲା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ରଖି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୀପାଳୀ ହୋଟେଲରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ, ତେବେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15 ଜଣଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଓ CDR ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଗାଯାଇଥିଲା CDR ରିପୋର୍ଟ। ଦେଖିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର ମଣିପୁର ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଘମାସାନ୍, ଆଜି ବି ସଂସଦରେ ମଣିପୁର ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଘମାସାନ୍, ସଂସଦରେ ମଣିପୁର ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଘମାସାନ୍। ଆଜି ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୃହରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସରକାରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାଷଣରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ UPAକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା। UPA ସରକାର ଅମଳରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2014 UPA ସରକାର ବିରୋଧରେ ଜନତା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା RBI, 6.5% ସ୍ଥିର ରହିଲା ସୁଧହାର, ବଢ଼ିବ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦରଦାମ 5.1%ରୁ 5.4% ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି RBI, କିନ୍ତୁ ରେପୋ ରେଟ୍ ତଥା ସୁଧହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ 6.5% ସ୍ଥିର ରହିଛି ରେପୋ ରେଟ୍, ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ରେପୋ ରେଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଏନେଇ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ EMI ଏବଂ ଋଣ ହାର ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଗତ ମେ ମାସରେ 4.3% ଥିବାବେଳେ ଜୁନ୍ରେ 4.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆହୁରି ଦରଦାମ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଟମାଟୋ ଦର ବଢ଼ିବା ନେଇ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ବଢ଼ିଛି, ଆଗାମୀ ମାସରେ ଦର କମିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅଧିକା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର ସାପ ଧରିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସାପ ଧରାଳି, ମିଳିବ ସୁରକ୍ଷା ଲୁଟ୍ କିଟ୍, ସାପର କ୍ଷତି କଲେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ସାପ ଧରିବା ଏବଂ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ସାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ସାପକୁ ବାଡ଼େଇ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଗତ 7 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର 6000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାପ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ନେଉନଥିବାରୁ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସାପ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାପକୁ ଧରିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକାଧିକ ସାପ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସାପ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାପ ଧରିବା ବେଳେ ସାପର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସାପ ଧରାଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ବୟସ 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକେ ସାପ ଧରିବା ପରେ ସାପର ଫଟୋ ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ। ସାପ ଦେଖିବା ପରେ କେତେକ ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସାପ ଧରାଳି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଯଦି ସାପ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଛି ତେବେ ସାପ ଧରାଳି
आशु चिकित्सा करने सहित हस्पिटाल पठाइबारे व्यवस्था करेंगे। सापधराली को पीवीसी पाइप बैग फास्ट एड किट टॉर्च साप कमड़ा बैंडेड सापधरा हुक फ्रेम लगिता कपड़ा ब्याग आदि सामग्री जोगाइ दिया खबर। डेंगू आक्रांत संख्या वृद्धि समालोचनार शिकार पर कठोर है बीएमसी मशा वंश वृद्धि पर आदाय हो जरिमाना। राजधानी में डेंगू आक्रांत संख्या वृद्धि पाइबार लगी बीएमसी समालोचनार शिकार होते कठोर होएमसी एणिकी मशा वृद्धि परेश अनुकूल होते जोरीमाना देवा पड़ो बीएमसी तेज स्वाधीनता दिवस पर भुवनेश्वर महानगर निगम यह नुआ नीति आपणवे जमापड़े। साधारण लोकों हजार व्यवसायी प्रतिष्ठान ठू 5000 टंका जोरीमाना आदाय होएमसी कहते बुदा नक ठिका संस्था को अर्थदंड होएमसी डेंगू को नियंत्रण करने को बीएमसी यथासंभव पदक्षेप ग्रहण करिछे। वार्ड को वार्ड बुलाजिबा सहित मशा धुआं और मशा तेल पका जाउछे। डाक्टरी टीम घरे घरे बुली सचेतन कराउछन्ते। तेबे एहा केवल बीएमसी रो काम नुहे लोकंकु मध्य एथिरे सामिल हेबाकु हेबो। लोकमाने निजर घर चारिपटे सफा सुथरा रखिबाकु हेबो जेपरी मशा वंश वृद्धि हेबो नाही। अनबडे दिनकरे 53 जन आक्रांत भुवनेश्वर चिन्हट होउछन्ती। बेसरकारी भाबे एही संख्या ढेर अधिक। अधिक प्रवृत्ति खबर बदलिबो प्राथमिक स्कूल रो चित्र बदलव प्राथमिक श्रेणी गृह परिवेश स्कूल पिछा खर्च हेबो 1.5 लाख टंका। प्रथम पर्यायर 6000 अधिक स्कूल सामिल। बदलव प्राथमिक स्कूल चित्र श्रेणीर परिवेश को आकर्षण श्रेणी गृह को शिशु सुलभ कर आकर्षण आनंदमय करने कांथरे चित्र विभिन्न आकृतिर डेस्क आलमारी ग्रीन बोर्ड प्रदर्शनी बोर्ड शैक्षिक उपकरण झुलाइबापी हुक रहा पिला दरी बस रंगीन डेस्क लिखे श्रेणीगृहर आवश्यक मरम्मति विद्युतीकरण और आलोकीकरण कर शिक्षण सामग्री प्रदर्शन व्यवस्था करा प्राथमिक छात्र छात्री शैक्षिक विकास में अत्यंत सहायक हो विद्यालय और शिक्षा विभाग पक्ष रूपरेख प्रस्तुत कर प्रथम पर्यायर 16 जिलार 6000 अधिक स्कूल को सामिल कर स्कूल पिछा खर्च हे 1.5 लाख टंका। मोट 92,385,00,000 टंका खर्च कर पर्यायक्रमे बड़का समस्त स्कूल को अंतर्भुक्त कर खबर। रुष लुना 25 मिशन 47 वर्ष पर रुष आरंभ कर चंद्र अभियान। भारत चंद्रयान 3 प्रतिद्वंदिता करुछि कि इसरोर चंद्रयान 3 परे परे रुष मध्य अगस्त 10 रे तार चंद्र मिशन आरंभ करबाक जाउछि। एही मिशन रो नाम हेउछि लुना 25। दीर्घ 47 वर्ष पर रुष चंद्र को एक लैंडर पठाउछि। विगत लुना कार्यक्रम गुडी करे रुष अनेक सफलता पाइछि। तब आसंतु जानिबा रुष रो एही लुना मिशन विषय रे। 47 वर्ष पर प्रथम थर पई रुष चंद्र को एक जान पठाउछि। एही मिशन रो नाम हेउछि लुना 25। एहा 10 अगस्त 2023 रे लॉन्च हेबो बोली आशा करा जाउछि। एहीपरी करिबा द्वारा कौन रूस रो स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस भारत रो स्पेस एजेंसी इसरो सहित प्रतिद्वंदिता करुछन्ते कि तबे यूक्रेन सहित युद्ध आरंभ हेबा परे प्रथम थर पई रूस एकापरी एक महाकाश अभियान आरंभ करबाकु जाउछे। एहाकु लुना ग्लोब मिशन मध्य कुहा जाय। तबे 5 दिन यात्रा करबा परे लुना 25 चंद्र रो कक्षपथ रे पहुचिबो। एहा परे 5 रु 7 दिन चंद्र को प्रदक्षिण करिबो। तबे एवं एहा परे चंद्र रो दक्षिण गोलार्ध रे निर्दिष्ट होइथिबा तीनोटी स्थान मध्यरु गोटी करे अवतरण करिबो। लुना 25 रो मुख्य उद्देश्य होउछि चंद्र रे अम्लजान रो संधान जहाँ जल या सहायक होवर्ती खबर। आहरी 5 दिन मौसुमी है दुर्बल। आसंता 5 दिन जाए राज्य में बड़ वर्षा नथिबा सूचना। 5 दिन पर होइपारे बड़ वर्षा। राज्य में दुर्बल है मौसुमी। मौसुमी निम्न चापरेखा आज तार साधारण अवस्थान ठार् उत्तर अवस्थान करुचे। फल राज्य में मौसुमी प्रभाव दुर्बल होचे। यार प्रभाव में आसंता 5 दिन जाए राज्य में बड़ वर्षा नथिबा आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करिछे। सेपरी खरा सांग को ताती बढ़िबो एवं दिन तापमात्रा अस्वाभाविक परिवर्तन होबो। तबे वायुमंडल में जलीय बाष्पर परिमाण अधिक रहुथवारो गुळगुळी अनुभूत होबो। किछि दिन मौसुमी सक्रिय परे एबे दुर्बल होइछे। आकाशरे खंड खंड फसा मेघ रहुथवा बेले राज्य में बड़ वर्षा नाही। अनपटे आसंता 24 घंटा मध्य पश्चिम ओडिशार किसी अंचल घड़घड़ी सह वर्षा बार संभावना रही आकलन कर आंचलिक पानीपाग विभाग। तेज मौसुमी दुर्बल प्रभाव में राज्य में 5 दिन जाए कौन सतर्क सूचना ना। 5 दिन पर होपे बड़ वर्षा पुणी आसब लघुचाप। राज्य में मौसुमी प्रभाव दुर्बल हेतु उपकूल समेत विभिन्न जिले में बर्षार प्रभाव कमी सहित गुड़गुड़ी होगा आरंभ हो आग को कौन बड़ वर्षा नथिबा बेले राज्य में पुणी नियंटिया वर्षा देखा जीव बोली अनुमान करा जाउछे। तबे आसंता 14 बेलकु वर्षार परिमाण सामान्य बढ़ी पारे। अधिक प्रवृत्ति खबर आदिवासी को मिलिबो जन्मगत अधिकार। मो जंगल जमी योजना आरंभ कले मुख्यमंत्री। जनजाति विकास रे माइलस्टोन सृष्टि हेबो।
तेबे राज्यर विभिन्न वर्गर लोकंकर सामाजिक अर्थनैतिक विकास साधन पई राज्य सरकार नुआ नुआ पदक्षेप ग्रहण करुछंती। तेबे एही क्रमरे राज्य सरकार देशर प्रथम राज्य भाबे मो जंगल जमी योजनार शुभारंभ करिछंती। तेबे एही योजना माध्यमरे जंगल जमी उपरे जनजातिंकर व्यक्तिगत ओ गोष्ठीगत अधिकार सुनिश्चित हेबो। एही योजना जनजातिंक विकास क्षेत्ररे एक माइलस्टोन सृष्टि हेबो बोली एहाकु शुभारंभ करबा अवसरे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहिछंती जे एही योजना माध्यमरे जनजातिंक स्थायी जीविका सृष्टि नै पदक्षेप ग्रहण करे जीवो। जो जंगल गाँग गुड़िक सर्वे हो नगुड़ी राजस्व ग्रामर मान्यता प्रदान कर फल जनजाति समस्त प्रकार विकासमूलक कार्य साधित हो पार। अधिक प्रवृत्ति खबर क्रेडिट कार्ड में लागू होब नुआ नियम। क्रेडिट कार्ड व्यवहार करुले सावधान अगस्ट 12 बदली जा नियम। तेज फ्लिपकार्टर आक्सीस बैंक क्रेडिट कार्ड जहाँकि व्यवहारकारी एक बड़ खबर आक्सीस बैंक क्रेडिट कार्ड मध्यम देफर को कमाई 12 अगस्ट रु एही नुआ नियम कार्यकारी हेबो। आक्सीस बैंक द्वारा प्रदान करा क्रेडिट कार्ड मध्य फ्लिपकार्ट आक्सीस बैंक क्रेडिट कार्ड बहुत लोकप्रिय रही है। फ्लिपकार्ट व्यवहारकारी माने एही क्रेडिट कार्ड को नेबापाई अधिक आग्रह रही कारण एही कार्ड रे फ्लिपकार्ट शॉपिंग पाई विभिन्न सुविधा रही। किंतु निकट रे आक्सीस बैंक घोषणा करिछि जे वर्तमान एही क्रेडिट कार्ड रो लाभ को कमाई दिया जिवो। एही नियमटी 12 अगस्ट रु लागू हेबो।